टू माई चैनल डेली फूड्स विद जेब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और बहुत अच्छी खासी गर्मियाँ आ गई हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि चलें आपको गर्मियों के तोड़ का बताएं कि किस चीज़ से आप गर्मियों का तोड़ कर सकते हैं। ये और कैरियाँ भी साथ साथ ही आ गई हैं गर्मियों के, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कैरियाँ आ रही हैं। तो अब इसमें हम बनाएंगे कैरी का शरबत, और जिसको पी के आप लू से भी महफूज रह सकते हैं और गर्मी से भी महफूज रह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे जिस्म के लिए। आपको पता है आम तो सभी के लिए फ़ायदेमंद भी हैं और पसंदीदा भी होते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि किस तरीके से हम कैरी का शरबत बनाएंगे, जो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी ब्रांड का स्क्वैश ले लिया। चलिए इसमें डालेंगे हम कैरी, जो मैंने ये अभी छील के भी रखी है, और ये मैं आपको मैंने दिखाने के लिए भी रखी है। इसको छील के मैं इसके बारीक पीसेस करूँगी। अगर इसके अंदर गुठली हो तो आप गुठली को रिमूव कर सकते हैं, और अगर बीज हो तो बीज को भी रिमूव कर दें। लेकिन अब भी कैरी इस कंडीशन में नहीं है कि इसमें रेशा हो, क्योंकि अगर रेशा होता है तो फिर उसको छानना पड़ता है, लेकिन हम इसको छानेंगे नहीं। और आपको इसी तरीके से बहुत झटपट सा ये शरबत बनेगा और बहुत ही मज़ेदार सा। तो इसमें हमने लिया आधा किलो चीनी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी हाफ़ टी स्पून काला नमक, है बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, और हाफ़ टी स्पून मैंने वाइट नमक लिया है, और पिंच हम डालेंगे फूड कलर का पानी में। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलिए देखें, बस इस तरीके से इसका छिलका उतारना है, और छिलका उतार के अंदर से आपने रफली कट कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि चकोर काटें गोल काटें, क्योंकि हमें ये ग्राइंड करने होंगे, कैरी को हम ग्राइंड करेंगे, तो इसलिए इसमें किसी भी कटिंग का कोई मसला नहीं है। बस इस तरीके से इसका छिलका उतार के, और आप एक किलो कैरी का और जितना भी आप चाहें बना के रख सकते हैं। चलिए देखें, बस इसको इस तरीके से हम काटेंगे, और इसके अंदर गुठली है तो बीज होता तो ज़रा ज़्यादा इसमें से निकल आता, लेकिन अभी है कि गुठली है तो हम इसको इस तरीके से बस करके, और बस इसको उबलने रख देंगे। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कितना पानी लिया है। देखिए मैंने 1.5 कप पानी ले लिया है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेंगे क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, और ये हम कैरी ऐड करेंगे इसमें। बहुत ही झटपट सा बनने वाला शरबत, और आप इसको रख सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी खासी होती है आराम से, महीना भर तो आप इसको फ्रिज में रख के और अपने मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। बस इसमें जब आपने, अगर आपको चीनी कम लगे शक्कर कम लगे तो आप इसमें जब शरबत बनाने खड़े हों तो उसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी ऐड करके और शरबत बना सकते हैं। ये देखिए बस अब इसको मैं तेज़ आँच कर रही हूँ पानी को, और इसमें मैं चीनी भी डाल दूँगी साथ ही, इसी पानी के साथ ही गल जाएंगी। ये देखिए नमक भी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, और बस हम इसमें हम डालेंगे फूड कलर, थोड़ा सा लेंगे ताकि कैरी का कलर जो है वो चेंज हो जाए और आपको बिल्कुल स्क्वैश वाला मज़ा आए। ये देखें अभी ये पकेगा तो इसमें कलर थोड़ा सा लाइट होगा। बस अब इसको हम कवर करके गलने के लिए रखते हैं, जब ये गल जाएगी तो फिर मैं आपको इसकी पोजिशन दिखाऊँगी। चलिए इसको कवर करके रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें बॉयल आना शुरू हो गया है, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ एक लुक कि ये चीनी ने पानी छोड़ा है तो पानी कितना ज़्यादा हो गया है। बस इसको थोड़ा सा खुश करेंगे, इतनी देर में ये कैरी भी गल जाएगी, तो फिर हम इसको ग्राइंड करके दिखाते हैं आपको इसकी लुक। चलिए देखें थोड़ा सा खुश्क हुआ है, और ये माशाल्लाह से कैरियाँ भी गल गई हैं बिल्कुल, आपको लुक नज़र आ रही होगी इसकी। और क्योंकि अभी कैरी नहीं आई है, ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, तो इसलिए बहुत जल्दी से ये गल गई। बस 5 मिनट लगे हैं इसको, बस अब हम इसको ठंडा करेंगे चूल्हे से उतार के, और बस इसको आपको ग्राइंड करके दिखाते हैं। आपका ज़बरदस्त सा कैरी का शरबत तैयार है। चलिए देखें ये ठंडा हो चुका है, और बस अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, और इसमें शीरा वगैरह बनाने की कोई वो नहीं है, बस खाली जस्ट आपको चीनी को पिघलाना है इसमें, और थोड़ा सा पक जाए ताकि इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए। तो हम इसको अब आपको ग्राइंड करके दिखाते हैं। ये देखिए इसका लुक देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह बिल्कुल कलर और लुक बिल्कुल स्क्वाश वाला आ रहा है। बस अब हम इसको जस्ट उबाल आने तक पकाएंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा सेफ सा हो जाए, वरना अगर हमने यूं ही रख दिया ग्राइंड करने के बाद तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं बिल्कुल सही है, और अगर आपको शक्कर वगैरह या नमक अगर अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक डालना हो तो आप बनाते वक्त जब आप ग्लास में बनाएंगे तो उस वक्त ऐड कर सकते हैं। इस वक्त हम इसको इसी तरह जार में या वो जो बॉटल्स होती हैं शरबत की उसमें इसी तरह हम रखेंगे। चलिए मैं एक बॉयल देती हूँ इसको, फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। चलिए बस इसमें एक बॉयल आ चुका है, और अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो
फूड एसेंस डाल सकते हैं यानी मैंगो एसेंस, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, बहुत ज़बरदस्त खुशबू कह रही कि अपनी आ रही है, तो मैं नहीं डाल रही, अगर आपने डालना हो तो ऐड कर लीजिएगा। और बस अब इसको बंद करेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, तो हम अच्छे से बॉटल में भर के और फ्रिज में सेव करें, और जब आपने बनाना हो तो बस ये 2 से 3 चम्मच इसके लें और चिल्ड वाटर लेके इसमें ऐड कर लीजिए, और बहुत ज़बरदस्त आपका ये मैंगो स्क्वाश तैयार है। चलिए, अगर आपको इसी तरह मेरी झटपट रेसिपीज़ चाहिए और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। तो मैं आपको इसको तैयार करके बताती हूँ। चलिए, देखें ठंडा हो चुका है और मैंने बोतल में भर लिया है। बस इसको माशाल्लाह बहुत गाढ़ा सा है, तो बस हम 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। और अगर आप इस स्टेज पर चाहें तो चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से चीनी बिल्कुल सही है। तो बस इस तरीके से बना के और बहुत ज़बरदस्त आपका ये कैरी का शरबत तैयार हो जाएगा। ये देखें, थोड़ा सा पानी डाल के, और अगर आप, बस मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारी कैरी जो रेशे वाली होती तो हम इसको थोड़ा सा छान लेते यानी छन्नी से, लेकिन हमारी कैरी माशाल्लाह रेशे वाली नहीं थी, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आप देख रहे होंगे। माशाल्लाह कलर भी इसका बहुत प्यारा आया है। बस अब हम इसमें क्यूब्स डालेंगे अपनी और चिल्ड करके पीजिए, और मुझे बताइए कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। और आपको पता है कैरी बहुत फ़ायदेमंद है, गर्मी से बचाती है, पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह इसी तरह किसी नई और झटपट सी रेसिपी के साथ। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।